तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर विंडो काली लिनक्स प्रॉपर तरीके से कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, वो भी डुअल बूट के साथ। तो सबसे आसान तरीका बताऊंगा विंडो काली लिनक्स को इंस्टॉल करने का। आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में दो विंडो एक टाइम में यूज़ कर सकते हो। अगर आप विंडो 7 यूज़ कर रहे हो तो उसके साथ आप विंडो काली लिनक्स भी यूज़ कर सकते हो, यूबंटू जो भी दूसरी विंडोज़ हैं वो आप यूज़ कर सकते हो। तो आज जो हम विंडो इंस्टॉल करने वाले हैं काली लिनक्स डुअल बूट के साथ, तो इसमें कोई चांसेस नहीं होगा जिसमें आपका डाटा ज़ाया हो जाए या आपका डाटा डिलीट हो जाए। तो ए टू जी आपको कंप्लीट गाइड करूंगा और किस तरह से विंडो करते हैं और किस सिस्टम में हो सकती है, अगर ना हो आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में तो क्या करना चाहिए, सारा कुछ आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सलमान दीप, आप देख रहे हैं अदीप टेक्नोलॉजी लैब यूट्यूब चैनल। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज हमारा टॉपिक। तो यहाँ पे हम अपने डेस्कटॉप पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक यूएसबी है जिसके अंदर विंडो काली लिनक्स इंस्टॉल की हुई है। तो इंस्टॉल किस तरह करना है, कहाँ से फाइलें मिलेंगी, सारा कुछ मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि अगर आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं करना चाहते, लाइव यूज़ करना चाहते हैं, तो आप यूएसबी में इंस्टॉल करके आप उसको लाइव यूज़ कर सकते हो। जब तक यूएसबी लगी रहेगी विंडो चलती रहेगी, जब यूएसबी निकालोगे तो विंडो ख़त्म हो जाएगी। तो लेकिन आज की इस वीडियो में हम डुअल बूट करेंगे, दो विंडो एक लैपटॉप में करेंगे, पहले से विंडो 10 है और काली लिनक्स इंस्टॉल करेंगे। प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल करना है मैं आपको सिखाऊंगा। तो सबसे पहले आपने चेक क्या करना है कि आपके लैपटॉप में विंडो हो सकती है या नहीं, उसके लिए आपने विंडो प्लस आर क्लिक करना है। तो आपके पास एक कमांड रन कमांड ओपन होगा जिसके अंदर आपने लिखना है MS Info 32। तो इसको आप जैसे ही ओके करोगे तो आपके पास एक ये कमांड ओपन होगी जिसके अंदर आपके पास बायोस मोड जिसमें आएगा। इसमें बायोस मोड में आपने देखना है आपके पास कौन सा है। अगर आपके पास लेगेसी है तो आपके पास ये विंडो चल जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास दो तरह के बूट होते हैं, एक UEFI और एक लेगेसी। तो UEFI के अंदर आपके पास विंडो काली लिनक्स या कोई भी डुअल बूट आप नहीं कर सकते, लेकिन लेगेसी के अंदर आप कर सकते हो। तो लेगेसी और ये अगर आपको यहाँ से नहीं पता तो आपको इस तरह से भी पता चल सकता है। यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ माय कंप्यूटर पे यहाँ पे आप माय कंप्यूटर पे राइट क्लिक करोगे, उसके बाद आप जाओगे मैनेजर में। तो जब यहाँ पे जाओगे इसके अंदर आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ मैं, उसके बाद डिस्क मैनेज में जाना है आपने। और डिस्क मैनेज के बाद यहाँ पे आपके पास डिस्क आएगी आपकी जितनी हार्ड लगी हुई है। तो इसमें क्या है कि यहाँ पे आपके पास एक और दो, यहाँ पे ये दो आ जाएंगी और ये तीसरी आपको नज़र नहीं आती है, वैसे भी रिकवरी होती है। तो मेन हमारे पास ये दो होती हैं, दो के बाद अगर आपके पास लेगेसी है तो ये दो बनी हुई आएंगी। अगर आपके पास UEFI वाली जो है, जो दूसरा बूट है, वो अगर हुआ बायोस का मोड तो आपके पास यहाँ पे 3-4 होंगी, जिसमें OEM इस तरह से भी एक बनी हुई आ जाती है, जो कि आजकल शिबाज शरीफ के लैपटॉप में आती हैं और न्यू जितने भी मॉडल हैं उनमें आती हैं। तो उनका बायोस मोड आप चेंज कर सकते हो, तो उसके बायोस में जाके आप चेंज कर सकते हो, वो आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ना समझ आए तो फिर आप मेरे से पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। तो मेन चीज़ तो थी ये, आपने सबसे पहले अपना बायो मोड चेक करना है। अगर लेगेसी है तो आप इंस्टॉल कीजिएगा, वरना आप इंस्टॉल करोगे आपके पास इंस्टॉल नहीं होगी। अब क्या करना है, अगर आप गूगल पे सर्च करते हो कि विंडो काली लिनक्स के लिए आपको कितने GB जगह रिक्वायर्ड है, तो वो है 20 GB। तो मुझे पहले से पता है 20 GB। तो यहाँ पे मैं जिस PC पे जाके राइट क्लिक करता हूँ, मैनेज में जाता हूँ और यहाँ पे हम डिस्क मैनेज में जाते हैं। और उसके बाद मेरे पास एक सिर्फ C बनी हुई है, क्योंकि इसमें SSD लगी हुई है, सिर्फ C है। तो मेरा सारा डाटा इसी के अंदर पड़ा हुआ है इस टाइम। तो मेरा यहाँ पे आपको दिखाऊंगा, डाटा भी ज़ाया नहीं होगा और यहाँ पे विंडो भी हम कंप्लीट करेंगे। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करके यहाँ पे श्रिंक वॉल्यूम है तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे हमने उसको बताना है कि आपको कितने GB जगह चाहिए, हम सी के अंदर से जगह को अलहदा कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं अपना माई कंप्यूटर ओपन करके दिखा देता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो टोटल स्पेस इस टाइम दिखा रहा है यहाँ पर, वो है यहाँ पे 118 GB। तो यहाँ पे आप यूज़ और फ्री भी देख सकते हो, दोनों बताई हुई हैं।
तो अब हमने क्या करना है, इसको 20 GB ज़्यादा करना है। सबसे पहले आप अपना कैलकुलेटर ओपन कीजिए, और अगर आप पूरी पूरी 20 GB निकालना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, यहाँ पे कैलकुलेटर में यहाँ पे टाइप करना है 10 20 24 और ज़रब दे देते हैं हम 20 के साथ। तो यहाँ पे 20 के साथ ज़रब दी, तो यहाँ पे हमारे पास 20 4 80 आ गया। तो यहाँ पे हम यही लिख देते हैं 20 480। तो यहाँ पे 20 480 लिखने के बाद आपने श्रिंक करना है। तो ये तो बेसिक सी चीज़ थी कि आप अपनी डिस्क में से लैदर से अगर आपने ज़्यादा पार्टीशनें बनानी तो आप इस तरह से बना सकते हो। तो ये हमने पार्टीशन बना ली, यहाँ पे 20 GB की साइड पे निकल आई है, लेकिन इसको आप अभी न्यू ना बनाइएगा। तो उसकी भी वजह मैं आपको बताऊँगा जब आप विंडो इंस्टॉल करोगे कलनेक्स, तो उसमें इसको हमें फाइंड करने में बहुत आसानी होगी। तो यहाँ पे ये हम इसी तरह छोड़ रहे हैं, 20 GB बना दी हमने, बाकी हमारा यहाँ पे जितना भी है डाटा वगैरह इसमें पड़ा हुआ है। तो मैं यहाँ पे डाटा भी मेन चीज़ होती है, ज़्यादातर लोग डरते हैं कि हमारा डाटा उड़ जाएगा, विंडो उड़ जाएगी तो हमें नई विंडो करनी पड़ेगी। तो इसी लिए आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि आपने क्या करना है आपका जो चीज़ें डाटा लगाना हो। तो ये हमने काम कर दिया। अब मेरे पास USB है, USB मैं लगा लेता हूँ अपने लैपटॉप में। USB लगा दी, इसको मैं रीस्टार्ट कर रहा हूँ। तो रीस्टार्ट यहाँ पे मैं कर देता हूँ, रीस्टार्ट कर दिया है। रीस्टार्ट होने के बाद हमारा जो बूट मेन्यू है यहाँ पे मैं F9 क्लिक करता हूँ। मेरे पास HP है तो यहाँ पे बूट डिवाइस ऑप्शन आ चुका है, F9 HP का है, और दूसरा जो है हमारे पास डेल का, जो हमारे पास F12 है। तो इसी तरह आपको बाकी जो भी आपके पास मॉडल है वो आप सर्च कर सकते हो। यहाँ पे हमारी USB भी आ गई है, किंगस्टोन की है। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करके यहाँ पे इंटर कर रहा हूँ, सिंपली इंटर कर रहा हूँ। यहाँ पे हमारी जो USB या DVD आप जिसके ज़रिए कर रहे हो वो यहाँ पे आ रही है। तो यहाँ पे इसका ये लुक इस तरह की इसलिए आ रही है क्योंकि मैंने एक USB के अंदर यहाँ पे 5 विंडो या 4 विंडो इंस्टॉल की हुई हैं, इसीलिए ये इस तरह से आ रही है। तो यहाँ पे यहाँ विंडोज़ आ रही हैं, यहाँ पे कालीनेक्स इंस्टॉल है। अगर मैं सबसे ऊपर वाले में जाऊँगा वहाँ पे Windows 7, 8, 32, 10 जितनी भी विंडोज सारी मैंने एक USB में की है। मैंने यहाँ पे कालीनेक्स इंस्टॉल करनी है, 2019 वर्जन है, मैंने तब से ये USB फॉर्मेट नहीं की, यही मेरे पास चल रही है और मेरा इससे काम हो जाता है। तो मैं यहाँ पे 2019 पे क्लिक करके यहाँ पे मैं इंटर कर रहा हूँ। इंटर करते ही आपके पास यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगा। तो ये है विंडो कालीनेक्स का। अगर आपने USB के ज़रिए लाइव यूज़ करनी है तो आप सबसे पहले वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हो, नहीं तो हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे इसको प्रॉपर तरीके से अपने लैपटॉप के अंदर डुअल बूट के साथ। तो हमने सेलेक्ट करना है यहाँ पे ग्राफिकली इंस्टॉल पे जाकर मैं जैसे इंटर करता हूँ तो हमारे पास नेक्स्ट जो है हमारे पास देखते हैं क्या आता है इंस्टॉल होने के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले वो लैंग्वेज सेलेक्ट करने का कह रहा है। यहाँ पे आपका जो लैपटॉप का माउस काम नहीं करेगा, अगर आपके पास लेदर से माउस है तो ठीक है, वरना आप जो है अपने लैपटॉप या कीबोर्ड से आप टैब यूज़ कर सकते हो। टैब के ज़रिए आप ऊपर नीचे मेन्यू पे जा सकते हो। तो मैं यहाँ पे जो है इंग्लिश सेलेक्ट करके कंटिन्यू करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे वो सिलेक्ट लोकेशन का कह रहा है, लाजमी नहीं है आपने पाकिस्तान, अगर इसमें नहीं मिल रहा पाकिस्तान तो आप कोई भी सिलेक्ट कर दें। मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट यूनाइटेड स्टेट है तो मैं इसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे कीबोर्ड का कह रहा है, कीबोर्ड भी जो मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे इंग्लिश है मैं उसी को यूज़ करने वाला हूँ। उसके बाद यहाँ पे ये लोड हो रही है, लोड होने के बाद यहाँ पे वो दिखा रहा है, तो वो यहाँ पे कह रहा है कि आप डिटेक्ट करवाना चाहते हो CD-ROM या जो भी चीज़ लगे। मैं कह रहा हूँ यस, तो यस जैसे करेंगे तो ये डिटेक्ट कर लेगा जहाँ भी कालीनेक्स होगी। तो यहाँ पे डिवाइस नोट फाउंड आ रहा है, तो हमने यहाँ पे USB लगाई थी। मैं क्या करता हूँ USB को यहाँ से उतार रहा हूँ, ये USB हमने लगाई थी। उसके बाद मैं यहाँ पे दूसरी पोर्ट में लगा रहा हूँ। ये कभी कभी होता है, तो अगर आपने लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल किया तो आपके पास नहीं आएगा यहाँ का। अगर लेटेस्ट जो लैपटॉप है न्यू जनरेशन का है तो ये मसला नहीं आएगा। तो अगर यहाँ पे कभी भी आए नोट डिवाइस फाउंड तो आपने उधर से USB निकाल के किसी और पोर्ट में लगा देनी। मैंने लगाई है, उसके बाद मैं फिर यहाँ पे कंटिन्यू पे जाता हूँ। यहाँ पे मैं कंटिन्यू पे जा रहा हूँ, कंटिन्यू कर रहा हूँ। उसके बाद हमारे इतनी चीज़ें होगी। अब हमने यहाँ पे डिटेक्ट करवानी थी CD-ROM वही मतलब जो हमने बूट बनाया हुआ। मैं यहाँ पे इंटर कर रहा हूँ। इंटर करने के बाद अब हम चेक कर लेते हैं कि ये डिटेक्ट कर रहा है। यहाँ पे इसने डिटेक्ट कर ली, यहाँ पे लोड हो रही है। तो यहाँ पे इसने जो भी चीज़ें कन्फिगर करनी थी कन्फिगर कर करके यहाँ पे ये नेटवर्क पे आ गया। नेटवर्क में हमें कोई भी सिलेक्ट कर दे, यहाँ पे इसका कोई इतना बड़ा मसला नहीं है।
मैं यहाँ पे ईथरनेट वाला सिलेक्ट कर रहा हूँ। ईथरनेट वाले के बाद यहाँ पे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो कंटिन्यू कर देता हूँ। कंटिन्यू के बाद हम देखते हैं जो भी उसने कॉन्फ़िगर करना है वो खुद कर लेगा। यहाँ पे आप कोई भी सिलेक्ट कर दो, आपके पास दोनों ही वर्क करेंगे इसमें। तो यहाँ पे नेटवर्क फेल, तो हमें ज़रूरत भी नहीं है इसकी, तो मैं इसको कंटिन्यू करवा देता हूँ। यहाँ पे कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे अब वो रीट्राई का कह रहा है कि आप दोबारा से इसको कॉन्फ़िगर करो नेटवर्क को। तो आपने नहीं करना, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हमने कर लेना है। डू नॉट, तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर देता हूँ डू नॉट। उसके बाद पोस्ट नेम कह रहा है काली, मैं कह रहा हूँ ठीक है जो है वही जाने देते हैं। उसके बाद वो कह रहा है कि रूट पासवर्ड बताओ, तो पासवर्ड मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट पासवर्ड भी, पासवर्ड मैंने रख लिया। उसके बाद मैं टैब से फिर यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे आ जाऊँगा, या आप माउस भी यूज़ कर लें, मैंने आपको पहले बता दिया है। तो यहाँ पे आप टैब से ऊपर नीचे जा सकते हो। तो यहाँ पे मैं इंटर कर रहा हूँ। इंटर करने के बाद यहाँ पे वो क्लॉक का कह रहा है कि आप कौन सा सिलेक्ट करना चाहते हो। मैं यहाँ पे जो पहले से बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट है मैं उसी को यूज़ करूँगा। और ये है हमारी मेन चीज़, जहाँ पे सब लोग या ज़्यादातर लोग यहाँ पे गलती करते हैं, वो है ये चीज़। तो इसमें हमने पार्टीशन बनानी है। पार्टीशन यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शन हैं, हमने मैनुअल बनानी है। यहाँ पे मैं मैनुअल में चला जाता हूँ और इंटर कर देता हूँ। इंटर करने के बाद अब आप यहाँ देख सकते हो जो हमने 20 GB निकाली थी, यहाँ पे फ्री स्पेस 20 GB है। उसके बाद ये हमारी सी है, ये बूट वाली है और ये रिकवरी है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फ्री स्पेस जिसके आगे लिखा हुआ है, क्योंकि हमने न्यू नहीं बनाई थी, फ्री उस पर इसीलिए लिखा हुआ है, अगर हम न्यू बना देते तो वो इस तरह से कोई ना कोई चीज़ लिखी हुई आ जाती। यहाँ पे फ्री स्पेस है, मैं सिंपल इसको करता हूँ इंटर। और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ क्रिएट, नहीं कर रहा। इसमें आपको बहुत सारी वीडियोज़ में देखने को मिल जाएगा, वो आपको सी लैदा बनाते हैं, डी लैदा बनवाते हैं, बूट लैदा बनवाते हैं, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें अलग अलग बनाते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि मैं आपको सिंपल सा तरीका बताऊँगा, आपको इतनी लंबी या इतनी सारी डिस्कें बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने 20 GB की जो डिस्क बनाई थी, सिंपली उसमें आपने ऑटो पार्टीशन पे क्लिक कर देना है। आपको ना स्वैप बनाने की पड़ेगी, ना इस तरह का कोई चीज़ नहीं बनाने की पड़ेगी। आप एक क्लिक के अंदर अपनी सारी पार्टीशन ऑटोमेटिक उसको बता दोगे कि ये ऑटोमेटिक आपको जैसे सही लगता है लैपटॉप को वो खुद सेट कर लेगा। मैंने ऑटोमेटिक पे सेलेक्ट किया। उसके बाद ऑल फाइल में एक ही पार्टीशन में करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, यहाँ पे हम होम वगैरह वो बनाने को कह रहे हैं, लेकिन मैं आसानी के लिए आपको जो चीज़ ज़्यादा आसान है वो मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे मैं ऑल फाइल वाला सिलेक्ट करता हूँ और इंटर कर रहा हूँ। ये हमारी बन गई, यहाँ पे उसने स्वैप बना ली और ये इसने ऑटो बनानी है। हमें खुद यहाँ पे स्वैप या होम या जो भी चीज़ इसने डिस्कें जितनी भी बनानी थी हमें बनानी नहीं पड़ी। आप वीडियोज़ में देख रहे हो कि वो लोग अलग अलग बना रहे होते हैं, लेकिन हम मैंने आपको आसान सा तरीका बताया। आप ऑटो उसको बता दो कि वो जो से उसको सही लगता है वो खुद बना लेगा लैपटॉप। बना लिया, दो डिस्कें बन गई। अब उसके बाद हम यहाँ पे फिनिश एंड वाले पे जाके क्लिक कर देंगे। ये ऑटोमेटिक फिनिश वाला सिलेक्ट है, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद अब वो पूछ रहा है जो आपने डिस्क पार्टीशन बनाई है ये दो, क्या वो सही है, उसी में पार्टीशन बनानी है या नहीं बनानी। तो हमने क्या कहना है कि जी हाँ, जो हमने बनाई है वो सही है, मैं यस पे क्लिक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे वो पार्टीशन बना रहा है। यहाँ पे पार्टीशन बनाने के बाद यहाँ पे अब वो कॉपी डाटा, यानी कि अब इस टाइम जो हमारी विंडो इंस्टॉल हो रही है हमारे लैपटॉप के अंदर, तो यहाँ पे हम वेट कर लेते हैं इसके इंस्टॉल होने का। We'll be right back.
पास विंडो इंस्टॉल हो चुकी है तो यहाँ पे थोड़ी बहुत जो चीज़ें रहती हैं वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे कॉन्फ़िगर दी पैकेज मैनेजर कह रहा है तो यहाँ पे हम यस पे क्लिक करके तो मैं यहाँ पे यस पे क्लिक करके यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। इंटर करने के बाद यहाँ पे वो हमारे से यहाँ पे कंटिन्यू करने के बाद एरर आ रहे थे, उसके बाद हम वापस से यस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास यस पे क्लिक हो जाएगा। पहली बार आप यस पे क्लिक करोगे तो वो वहाँ पे एरर देता रहेगा, आप बैक जाके एक बार यस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास यहाँ पे कॉन्फ़िगर पैकेज हो रहा है। और यहाँ पे अब दूसरी मेन जो चीज़ है यहाँ पे हमारे पास जो मेन चीज़ है वो है यहाँ पे हमारे पास बूट लोडर। तो बूट लोडर को इंस्टॉल करना लाजमी है। अगर आपने यहाँ पे नो पे क्लिक कर दिया तो आपकी इतनी मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, जबकि वो बूट ही नहीं हमारा उठा पाएगा। जिस तरह से हम विंडोज 10 करते हैं 7 करते हैं कोई भी करते हैं उसमें जो लैदर से बूट की एक लैदर से वो बन जाती है, ड्राइव बनती है, इसी तरह इसमें भी एक बूट होता है जो कि इसको बताता है कि आपने कौन सी विंडो को चलाना है। तो यहाँ पे हमने बूट जो बूस्ट बूट लोडर है इसको इंस्टॉल करना लाजमी है। हम यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे, ये आपने ध्यान से करना है वरना आपके पास विंडो नहीं चलेगी। मैं यहाँ पे यस पे क्लिक करके इंटर कर देता हूँ। इंटर करने के बाद अब वो यहाँ पे हमारे पास पूछ रहे हैं मैनुअल इंस्टॉल करना है, हार्ड डिस्क में इंस्टॉल करना है या USB में इंस्टॉल करना है। तो हमने यहाँ पे विंडो इंस्टॉल किया, हम वहीं पे करेंगे तो हमने विंडो इंस्टॉल की है हार्ड डिस्क में। अगर हम मैनुअल में करेंगे तो वो बहुत सारी चीज़ें पूछता है जो कि हमें ज़रूरी नहीं है, हम उसको कह रहे थे कि आप हार्ड डिस्क में इंस्टॉल कर दो। मैं यहाँ पे हार्ड डिस्क इंस्टॉल क्लिक करके सेलेक्ट करके इंटर कर रहा हूँ तो यहाँ पे हमारे पास जो है बूट लोडर इंस्टॉल हो जाएगा जो कि हमें बताएगा कि आपने अब जो है विंडो 10 चलानी है या विंडो काली लिनक्स चलानी है। तो यहाँ पे हमारे पास फिनिश इंस्टॉल लिखा हुआ आ गया ऊपर और यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पे बैक और कंटिन्यू का बटन आ गया। मैं यहाँ पे टैब से नीचे आके उसके बाद मैं कंटिन्यू पे इंटर कर देता हूँ। कंटिन्यू के बाद यहाँ प्रिंट हो चुकी है और उसके बाद हमारे कह रहा है कि रनिंग रिमूविंग लाइव पैकेज जो हमारे पास लाइव USB लगी हुई थी जिससे विंडो हो रही थी तो वो कह रहा है कि निकाल दो, यहाँ पे हमने निकाल दी है। तो उसके बाद यहाँ पे अब ये रीस्टार्ट होगा और यहाँ पे आपकी विंडो कम्प्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पे विंडो बूट दोबारा आने के बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ चुका है कि आपने विंडो काली लिनक्स चलानी है या विंडो 10 चलानी है, यहाँ पे दोनों चीज़ें आ चुकी हैं। तो सबसे पहले मैं आपको विंडो 10 दिखा देता हूँ कि हमारा डाटा उड़ा है या नहीं। तो यहाँ पे मैं विंडो 10 यहाँ पे दो है, ये दोनों सेम नेम है, आप देख सकते हो, किसी पर भी क्लिक कर सकते हो। मैं यहाँ पे फर्स्ट वाले पे क्लिक कर देता हूँ तो हमारे पास विंडो 10 बूट होगी यहाँ पे इस टाइम। तो विंडो 10 में आपको दिखा देता हूँ मेरा जो डाटा वगैरह पड़ा था वो यहीं पर पड़ा रहेगा। तो यहाँ पे हमने सर्च पूरी यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है बगैर डाटा को रेज किए या कोई भी मुश्किल आए। तो यहाँ पे विंडो 10 ओपन हो चुकी है, मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी जो चीज़ें यहाँ पे डेस्कटॉप पे जो थी वही हैं, यहाँ पे कोई भी चीज़ हमारी ज़ाया नहीं हुई। अगर कोई एरर आता या बूट ना होता तो यहाँ पे हमारे पास ये दूसरी विंडो ओपन ही ना होती। यहाँ पे डॉक्यूमेंट में आप देख सकते हो, यहाँ पे डाउनलोड में ये चीज़ें वही पड़ी हुई हैं। तो यहाँ पे दिखाने का मकसद ये है कि आपकी जो चीज़ें बिल्कुल भी नहीं डिलीट हुई और जिस तरह से मैंने आपको विंडो करवाई अगर आप इस तरह से करोगे तो आपका डाटा भी बच जाएगा और आप डुअल बूट यहाँ पे अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर लोगे। ये तो था हमारे पास विंडो 10। अब मैं इसको रीस्टार्ट करके आपको दूसरी विंडो काली लिनक्स को ओपन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फिर वही ऑप्शन आ रहा है, अगर आप यहाँ पे 10 सेकंड या 5 सेकंड यहीं पे रखी रखोगे तो वो खुद ब खुद विंडो काली लिनक्स को बूट कर देगा, वरना आप अगर इसको ओपन नीचे एक बार कर लोगे तो यहाँ पे ये ब्रेक लग जाती है और आप जो सिलेक्ट करोगे वही होगा। अब यहाँ पे मैं विंडो काली सबसे ऊपर वाली जो है उसको इंटर कर रहा हूँ।
तो यहाँ पे वो हमारे से यूज़र नेम पूछ रहा है, तो यूज़र नेम वहाँ पे जो बाय डिफ़ॉल्ट आया था वो काली लिखा हुआ आया था, तो हम वही लिख लेते हैं। और उसके बाद इंटर करता हूँ, इंटर के बाद पासवर्ड पूछ रहा है, पासवर्ड हमने जो रखा था वो लगा लेते हैं और इंटर कर देते हैं। तो यहाँ पे वो गलत कह रहा है कोई ना कोई चीज़, तो वो कह रहा है दोबारा लिखो पासवर्ड, हम दोबारा पासवर्ड लिख के दे लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा पासवर्ड तो सही है, हम बैक चले जाते हैं और हम चेक करते हैं यहाँ पे, अब यूज़र नेम तो वही था, हम रूट लिख के देख लेते हैं। अगर आप कोई भी यूज़र नेम या पासवर्ड ना रखो काली लिनक्स का तो वो उसका रूट होता है, तो हम वही देख लेते हैं। रूट यूज़र नेम रूट होता है और पासवर्ड हमने रखा था, हमें पता है अगर आपने नहीं रखा था पासवर्ड तो वो रूट को उल्टा लिखा हुआ होता है। आप ये ना हो कि कभी विंडो करो और पासवर्ड ना खुले, आप दोबारा से उसको दोबारा नहीं विंडो करो, ऐसा ना करना। तो जैसे कि हमने यूज़र नेम वो रखा था लेकिन वो वाला नहीं एक्सेप्ट किया, अब रूट लिख के देखा है और अब हम अपने वाला पासवर्ड लगाते हैं, अगर नहीं लगेगा तो फिर हम दूसरे वाला लगाएंगे, तो जो हमने रखा था वो पासवर्ड लगाया। तो मुझे लगता है यहाँ पे ये ओपन हो चुका है, यहाँ पे हमारा माउस आ चुका है और ये हमारे डेस्कटॉप शो हो चुका है। तो यहाँ पे हमारी विंडो ओपन हो चुकी है। अगर आप यूज़र नेम ना लगे तो आपने रूट लिखना है, अगर आपने पासवर्ड नहीं रखा और स्लीप पे लग गया तो आपने तब टूर लिखना है, यानी कि अगर आर पहले लिखते हैं यूज़र नेम में लेकिन आपने पासवर्ड में आर एंड में लिखना है और टी शुरू में लिखना है, यानी रूट को उल्टा कर देना है। तो ये इसके बाय डिफ़ॉल्ट ये यूज़र नेम पासवर्ड हैं, दो अगर आपके पास कभी कोई चीज़ ना एक्सेप्ट हो रही हो तो आप इनको यूज़ कर सकते हो, वो खुल जाती है। जैसे अभी हमारे पास यूज़र नेम गलत बता रहा था, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे इसके ऐप शो करवाते हैं, यहाँ पे इसके सारे ऐप आ गए। तो यहाँ पे ये हमारी विंडो यहाँ पे आ चुकी है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ इसके, यहाँ पे सेटिंग में जाएंगे हम। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे हमारे पास अबाउट इसका आता है, यहाँ पे ये रहा इसका अबाउट, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारा HP i5 और यहाँ पे NVIDIA का कार्ड है और 12 GB डिस्क है और ये 7 GB स्पेस है, ये सारा कुछ इसने दिया हुआ है यहाँ पे। तो यही थी आज की हमारी वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको विंडो काली लिनक्स डुअल बूट लैपटॉप या कंप्यूटर में इंस्टॉल करना बताया बगैर किसी डाटा को ज़ाया किए, और इसमें आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और किस तरह से आपने स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको कंप्लीट बता दिया है, तो इस तरह से आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में विंडो कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपने इसको अपडेट करना है, आपके पास पुराना वर्जन है या उसकी अपडेट आई हुई है उसको अपडेट करना है, या फिर आपने उसमें कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, कोई टूल इंस्टॉल करना है, कोई टूल आपने यूज़ करना है वो आपको यूज़ नहीं करना आ रहा, इस तरह से आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इसके विंडो काली लिनक्स के मुतल्लिक, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसके बारे में भी आपको वीडियो बना के ज़रूर बता दूँगा। तो यही थी आज की हमारी वीडियो, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और मैंने मेरे पास कोई ऐसा सोर्स नहीं था जिसके ज़रिए आपको अच्छे से अच्छा रिज़ल्ट दिखा सकूं, मैंने मोबाइल से रिकॉर्ड किया था हाथ में पकड़ के, तो इसीलिए जितना मैंने आपको क्लियर बताना था वो मैं बता चुका हूं। तो फिर भी अगर कोई चीज़ समझ ना आई हो या समझ ना आ रही हो, कोई ऐसा नया ऑप्शन जो आपके पास आ रहा हो मेरे पास ना आ रहा हो, तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो ये वीडियो अपने उन दोस्तों को ज़रूर शेयर करो जो विंडो इंस्टॉल करना चाहते हैं अपने लैपटॉप में काली लिनक्स को, या ये सीखना चाहते हैं। तो यही थी आएगी हमारी वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।